सुजा सिंघल जो कि ईडी कार्यालय में अभी मौजूद है, उनका जांच करने के लिए मेडिकल टीम ईडी कार्यालय पहुंची है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल से मेडिकल टीम मेडिकल जांच करने के लिए वहां पर पहुंची है और बता दें कि मेडिकल जांच करने के बाद डॉक्टर आर के जायसवाल का कहना है कि पूजा सिंघल को योगा करने की उन्होंने सलाह दी है और लगातार मेडिकल जांच जो है पूजा सिंघल की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, जहां आपको बता दें कि ईडी कार्यालय में पूजा सिंघल का मेडिकल जांच करने के लिए सदर अस्पताल की टीम वहां पर पहुंची है। वहीं बता दें कि जांच के बाद आर के जायसवाल ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल को योगा करने की सलाह दी गई है और लगातार मेडिकल जांच जो है पूजा सिंघल की जा रही है। जिस तरीके से ईडी की दबिश उन पर बनी हुई है, ऐसे में लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसके साथ ही थायराइड का जो उनका प्रॉब्लम है वो भी हाल के दिनों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर आर के जायसवाल का, आइए आपको सुनाते हैं। आपने क्या चेक किया? मैंने सर सामने देखे, पूरा सिंगल मैडम का दिया चेकअप पर कैमरा में सामने देखे बोला जाए। हां सर, आज आपने जो चेक किया रूटीन चेकअप नाम पूछना किसी से क्या मैंने परफेक्टली ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, ऑक्सीजनेशन नॉर्मल है, कोई कंप्लेन नहीं है, रिलैक्स भी कुछ है, कुछ तनाव तो है ही। मैंने उन्हें विपश्यना और अन्नपान सती योग करने की सलाह दी बस। सर सर, ये ईडी जो है कह रहा है कि मैडम का तबीयत बार बार खराब हो जा रहा है। नहीं, अभी खराब नहीं है, इसकी वजह से पूछताछ में जो प्रॉपर पूछताछ होना चाहिए नहीं हो पा रहा। नहीं, अभी अपडेट रिपोर्ट है। कौन कौन से योग और क्या क्या सलाह दिए आप? मैंने आज जो है इसमें आज जो है बीपी पल्स टेम्परेचर ऑक्सीजनेशन सब कुछ नॉर्मल है, एकदम 100% नॉर्मल है, कोई कंप्लेन नहीं है। और थोड़ा बहुत जो तनाव है, चिंता है, वो तो रहता ही है, उसके लिए मैंने एक योग, एक मेडिटेशन, एक ध्यान बताया, उसका नाम है अनापान सती योग या विपश्यना, जो गौतम बुद्ध का दिया हुआ। कैसे कैसे योग होता है अनापान सती योग? अनापान सती योग 3 चरण में होता है, 10-10 मिनट का है। पहले आंख बंद करके आप पलकी मार लीजिए और अपने सांस के आने जाने का ध्यान रखिए। दूसरा है सर्व स्वीकार, अगल बगल हल्ला हो रहा है होने दीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, उसका चिंता मत कीजिए, हल्ला हो रहा है हल्ला होने दीजिए और ध्यान से सुनते रहिए, अपना जो हो रहा है उसको देखते रहिए आंख बंद करके भीतर। और तीसरा है दूसरा सर्व स्वीकार हो गया और तीसरा जो होता है कि एकदम रिलैक्स हो जाइए। सर ये बताइए, सर्व स्वीकार मैडम कर पाएंगी? ईडी तो चाह ही रहा है कि सर्व स्वीकार कर ले मैडम। सर्व स्वीकार मतलब अगल बगल हल्ले का ध्यान में सब का मतलब नहीं होता है, अब वो सब चीज नहीं, मैडम को बता दिया है, वो सब चीज नहीं बोल रहा है, ध्यान की विधि बताया हूँ मैं।